नमस्कार नमस्कार रॉन्ग 28 फेब मैम बना दिया। चलो मेरे ये बनाया चित्र पे तो आप ये क्यों बना रहे हो, अपने मन से बना रहे हो? जनता की पूरी उम्मीद आप पे लगी हुई है कि अनुषा हराएगी सुहानी को। दोस्तों आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। दोस्तों तो अभी यहाँ पर जो प्रोग्राम है शिवगंज में, वहाँ पर आने वाली है सुहानी शाह। तो आज के इस व्लॉग में हम उनका मैजिक परफॉर्मेंस देखेंगे, तो व्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। व्लॉग को पूरा जरूर देखें, ये परफॉर्मेंस है शिवगंज सिरोही राजस्थान में। तो चलिए शुरू करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा जरूर देखना। अपना जुगाड़ हो गया है, देखिए चेयर पर खड़ा हो। एक बात बता दूं उनके बारे में, वो औपचारिक रूप से दूसरी क्लास तक पढ़ी है, मात्र दूसरी क्लास तक उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, लेकिन अपने अनुभवों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। वो देश विदेश घूमती है और अपने जादू को शो दिखाती है। सुहानी शाह एक दिमाग पढ़ने वाली लड़की है। आप सभी शिवगंज से प्रेम करते हैं ना, तो जैसे ही सुहानी शाह आएगी स्टेज पर, लाइट वाले भाई साहब से निवेदन है, लाइट इंतजार लपक छपक दीजिएगा उनको, उनकी एंट्री हसी होनी चाहिए। सुहानी शाह गवामी से दो तालियों के साथ स्वागत करें उनका। तो अभी सबने पर्चियां डाल दी है बॉक्स में, सो गिव इट अप फॉर सुहानी शाह। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, इतने ज्यादा प्यार का नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। शुरू करते हैं। मैंने देखा आप लोग आए, कुछ चिट्ठी पे आप लोगों ने लिखा और इस बॉक्स के अंदर डाला, करे कैसा हुआ? तो कुछ चिट्ठियाँ जिसपे आप लोगों ने कुछ तो लिखा है वो इन बॉक्स के अंदर अभी है। तो ये बॉक्स को लेकर मैं अभी ऑडियंस में आने वाली हूँ। देखो मेरा काम है लोगों का माइंड रीड करना, ठीक है? अब किसी का माइंड अगर मुझे रीड करना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? इस सामने वाले के पास हो एक माइंड, बिल्कुल ठीक है, जो एक्टिव हो, जो अलर्ट हो। तो आप लोगों के बिना मैं कुछ कर नहीं सकती। तो ये बॉक्स को लेकर अभी मैं ऑडियंस में आ रही हूँ और मैं इस बॉक्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाली, आप ही की लिखी हुई चिट्ठी। ओके, मैं निहारिका जो मेरी साथी है यहाँ पर, वो आ रही है आप लोगों के पास। यहाँ पर किसी को एक जन को दे दो और यहाँ पर एक बहुत सारी खूबसूरत महिलाएं, उनमें से किसी को देंगे हम। ओके, दोनों चिट्ठियाँ वहाँ चली गई है, तो सर खड़े हो जाएंगे। दूसरी चिट्ठी किसके पास है? आपके पास है, ठीक है, तो उनको माइक देंगे, उनको माइक देंगे। मेरे बारे तो मैंने कोशिश करी थी आप लोगों के पास आने के लिए, पर उन्होंने मेरे से गिरफ्तारी करके दोनों चिट्ठियाँ वहाँ दे दी। क्या प्यारे लोग हो यार, गिरफ्तारी नहीं है, क्या गिरफ्तारी नहीं है? अरे रे, ठीक है, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, मेरे दादा मेरे पापा सिरोही के ही है, मेरा सिरोही की ही हूँ मैं। आप भी सिरोही के तो भाई बहन हो यार, हम तो भाई बहन है। क्या नाम है, क्या नाम है आपका? नितेश नागौरी। नितेश जी, देखो मैं आपको बता दूं, आप थोड़ा जादू भी कर लेते हैं, बातें तो हम करते ही रहेंगे यार, हम तो सिरोही के लोग हैं, बातें करनी हमें पसंद है, ठीक है? तो नितेश जी, और दूसरी चिट्ठी जिसके पास है, देखो अब आपको बताती हूँ क्या सीन है। पहले आपके पास बात में आएंगे, पहले नितेश जी से बात करेंगे। चिट्ठी में जो भी लिखा है आप मुझे वो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे जब तक मैं आपको माइक पे उसे कहने को नहीं कहती। वो शब्द आप अपने मन में कहीं रखेंगे और आप मुझे 5 ऐसे विभिन्न शब्द दीजिए जो भी आपके मन में आते हैं, जो भी जो शब्द आप मुझे देंगे उसका चिट्ठी पे लिखा से भी संबंध ना हो तो भी चलेगा, ठीक है? मेरा काम है नितेश जी के 5 विभिन्न शब्दों से पहचानना कि चिट्ठी में कौन सा शब्द लिखा है, समझा? निहारिका मुझे बोर्ड और मार्कर दो ना पीछे से। नितेश जी, आपका पहला शब्द क्या है? कुछ भी, जो भी आपके मन में आता है। जूस,
भूख लगी आपको? माइक पे बोलो, माइक पे बोलो। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है का मतलब होता है हाँ, लेकिन ना बोलना लोगों को बड़ा पसंद है। नहीं नहीं लग रही भूख, लेकिन हाँ हो सकता है। दूसरा शब्द क्या? देखो मैं नितेशा को बता दूं, जो भी शब्द आप मुझे देंगे उससे मुझे सिर्फ ये नहीं पता चलेगा कि चिट्ठी पे क्या लिखा है, मुझे आपके बारे में भी बहुत सारी चीजें पता चलेगी। दूसरा शब्द क्या है आपका? गाड़ी। खुद के बारे में बोलना शुरू किया था सीधा आता बड़ी बड़ी बात है। गाड़ी, पहला आपने बोला जूस, दूसरा आपने बोला गाड़ी, तीसरा शब्द क्या है? जूते। अच्छे है मेरे, दिख नहीं रहे। देखो इंसान, मैं यूजुअली जब मुझे लोग शब्द देते हैं उसके अंदर से मैं कोई कहानी बना के शब्द तक पहुंचती हूँ जो चिट्ठी पे लिखा है। इन्होंने जो शब्द दिया जूस, कार, जूते, ये क्या शब्द होते हैं? दो वक्त होता है इंसान दिन में ना बराबर नहीं सोच पाता। पहला तो जब उसे भूख लग रही होती है, मतलब आपको भूख लगती है, आपको सेंसिबल नहीं सोच पाते, आपको भूख लग रही है इसलिए आप ऐसे शब्द दे रहे हो, ठीक है? हाँ, मैं 25 साल से कर रही हूँ नितेश। जी में कुछ नहीं आता मेरे को, ठीक है? ये कोई खाने पीने की चीज है, क्योंकि पहले ही आपने मुझे जूस दे दिया, लेकिन पीने की चीज नहीं होती क्योंकि जूस नहीं देते आप मुझे, क्योंकि इतना एग्जैक्ट नहीं देते। कोई खाने की चीज है, खाने की चीज भी ऐसी है जो मतलब शूज जूते जो हर व्यक्ति पहनता है, और कार ऐसी चीज है लोग उम्मीद करते हैं, तो ऐसी कोई चीज है जिसको हर व्यक्ति को पसंद होगी, और ऐसी कोई चीज जो उम्मीद करता है लोग कि मुझे पास हमेशा हो। चौथी चीज क्या? चौथा शब्द दीजिए मुझे अपना। घड़ी, वक्त। या मेरे मन में ना नितेश ऑलरेडी दो तीन चीजें आ चुकी है, लेकिन क्या है कि पहला एक्ट है ना। देखो अगर मैं बीच में कहीं होती मेरी परफॉर्मेंस के तो मैं ऐसे एकदम बिंदास चार पांच शब्द बोल देती, लेकिन क्या स्टार्टिंग है, पहला एक्ट है, अभी मैं ऐसे जमा रही हूँ अपना स्टेज, ठीक है? तो पहले तो मेरे मन में आ गई है कुछ चीजें, पर फिर भी मैं आपका मैं बताऊँ क्या आया मेरे मन में। पहले मैं पहला वर्ड आया पिज्जा, दूसरा शब्द आया मेरे दिमाग में नूडल्स, और तीसरा शब्द मेरे दिमाग में आया कुकीज यानी बिस्किट्स। पर आप मुझे अपना पांचवा शब्द दीजिए, वाटर बॉटल। इनमें से एक भी चीज नहीं है। क्या किसी ने चिट्ठी पे मिठाई, स्वीट्स या चॉकलेट लिखा है? हाँ या ना, माइक पे बताइए। दैट इज चॉकलेट। नहीं इज जर्मन। अनुषा, अनुषा कहाँ गया? देखो अनुषा, आपको पता है क्या करना है ना, आप मुझे पांच शब्द दोगे, मैं बताऊंगी चिट्ठी पे क्या लिखा है। पर अनुषा एक प्रॉब्लम है, इतनी सारी जनता, सबको पता है कि मैं क्या करने वाली हूँ, और मैजिक में अगर आपको पता है कि क्या होने वाला है तो क्या मजा है? एक बार कर सकती हूँ तो दूसरी बार भी कर सकती हूँ, उसमें क्या मजा? तो अब क्या करें अनुषा? कुछ नहीं, फटाफट लगा दो। तीन शब्दों में निपटाएंगे इसको अनुषा। पहला शब्द क्या है? कोई भी, कुछ भी दे दो, कुछ भी। अरे आपने चिट्ठी पे देखा क्या है? नहीं। अरे देखो ना, मुझे मत बताना क्या लिखा है, किसी को भी मत बताओ क्या लिखा है, बोलना मत, ये लोग मार मारेंगे, बोलना मत। जनता की पूरी उम्मीद आप पे लगी हुई है कि अनुषा हराएगी सुहानी को। क्यों हराना चाहते हो आप मेरे को? बॉम्बे से यहाँ बुलाया जादू देख कर चाहते हो कि फेल हो जाए? ऐसा कैसे? अनुषा पहला शब्द क्या है आपका? कुछ भी, जो भी मन में आता है, कोट जो मैंने पहना है। दूसरा शब्द क्या है आपके दिमाग में? इयररिंग्स। देखो ये वो चीजें बोल रही है जो वो देख रही है, उन्होंने कोट देखा बोल दिया, इयररिंग पहनी बोल दिया, यानी के चिट्ठी पे जो भी लिखा है अनुषा उस चीज से प्रभावित हो ही नहीं रही। इसका ये मतलब हो सकता है कि चिट्ठी पे कुछ लिखा ही ना हो। क्या चिट्ठी पे कुछ लिखा है अनुषा? चिट्ठी पे कुछ लिखा नहीं है, लेकिन आपका चेहरा बहुत कंफ्यूजन का है। इसका ये मतलब हो सकता है कि किसी ने कोई चित्र बनाया होगा, ड्राइंग करी होगी, स्क्रिबलिंग किया होगा, सिग्नेचर करके छोड़ दिया होगा। यस यस मैम, यस मैम। अगर कोई ड्राइंग है तो एक काम करते हैं, सभी लोग जोरदार तालियां बजाइए ताकि अनुषा आप मेरे को स्टेज पर आ जाइए। अगर मैं आपको बोलूं अनुषा कि वो चीज आपको वापस बनानी है, ड्रॉ करें, आप कर सकते हो? माइक पे, माइक नहीं, नहीं माइक पे बोलो। हाँ माइक पे कैसे बनाओगे? अनुषा चिट्ठी पे जो भी बनाए मेरे तीन गिनने पर आप इस पे बनाएंगे, अभी नहीं, तीन गिनने पर। अभी आप ऐसे बैक टू बैक खड़े हो जाओ मेरे। अनुषा चित्र बनाने के पहले मैं चाहती हूँ आप उसको अपने मन में सोचेंगे, ऐसे नहीं, आंखें बंद कर दो, मैं बता रही हूँ क्या करें। आंखें बंद करो, इमेजिन करो आपके सामने एक बहुत बड़ा कैनवस रखा गया है, कैनवस होता है ना बनाते हैं जिसपे चित्र पेंटिंग करते हैं वो, और आप कोई पेंट उठा रहे हो और उसके ऊपर कुछ बना रहे हो। सबकी ड्रॉइंग एक जैसी नहीं होती, थोड़ा बहुत मैच भी कर जाए तो ताली बजा देना, ठीक है? बना दिया,
चलो मेरे पास ये बनाया चित्र पे तो आप ये क्यों बना रहे हो, अपने मन से बना रहे हो? अनुषा अपने सोच ला, मैं बोल ही नहीं गई। जो भी चित्र आपने बना दिया मेरे तीन गिनने पर ऑडियंस को दिखाएंगे, ठीक है? एक दो तीन, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। तीन सितारे सही तो बनाए, तुम क्या कर रहे हो? अच्छा देख नहीं रहा है, ला मैं। थैंक यू सो मच अनुषा, बहुत बहुत धन्यवाद। चित्र लोगों को भी दिखा दीजिएगा, बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां अनुषा के लिए सभी को। थैंक यू, लाने वाली हूँ, पीछे से भी हो सकते हैं। मैं देख रही हूँ वहाँ पे भी सब लोगों को, तो आप टेंशन मत लो, मैं हर जगह के लोगों को इन्वॉल्व करने वाली हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, सब एक कहानी सोचता हूँ कि मुझे जो आपको और मुझे किसी से अलग करता है वो है हमारी कहानी। और आज शिवगंज की इस शाम में मैं हमेशा हमारे साथ अपने साथ ऐसी कोई चीज रखती हूँ, जैसे मेरे पास एक घड़ी है जो मैं हमेशा मेरे साथ रखती हूँ, अभी भी पीछे रख के आई हूँ वो घड़ी। एक कहानी मेरे दादाजी की घड़ी है, एक कहानी है जो मैं मेरे साथ रखती हूँ। आप में से यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी ऐसी कोई चीज है जो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके पीछे कोई कहानी है? यानी कि वो एक घड़ी हो सकती है, वो एक अंगूठी हो सकती है, वो वॉलेट में कोई सिक्का हो सकता है, किसी का फोटो हो सकता है, वो कुछ भी ऐसी कोई चीज जिसे आपको बेहद प्यार है, जो आप हमेशा अपने साथ रखते हो। ऐसे लोग हैं यहाँ पर? हाथ ऊंचा करके बताइए। अच्छा काफी लोग हैं, तो आप में से एक जन को मैं स्टेज पे बुला रही हूँ। एक जन कौन होगा? मैं तो डिसाइड नहीं करूंगी कि स्टेज पे कौन आने वाले। अगर आपके पास कोई भी एक अंगूठी जो आपके लिए कीमती है आप अपने पास हमेशा रखते हो, हाथ ऊंचा करो। जो लोग हाथ ऊंचा कर रहे हैं नितेश जी, उनमें से किसी एक को आपको स्टेज पे बुला रहे हैं। नितेश जी यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, वहाँ पर देखो, वहाँ पर देखो, इधर भी है कुछ लोग। कोई भी एक व्यक्ति को जल्दी से बुला दो, जल्दी जल्दी, आज अभी और बहुत कुछ करना है। ये तो बातें करने लगे टाइम नहीं है भैया, अरे जल्दी है। ओके हेलो, क्या नाम है आपका? जीनल देवेरा। जीनल जी, अच्छा आप लोग मुझे बताइए, मेरे को बैठाने का इनको कुर्सी पर, पीछे उधर बैठाओ कि यहाँ पे लेकर आओ कुर्सी, पीछे वाले आप पीछे, क्योंकि लाइट है वहाँ पर। करेक्ट, आ जाओ जीनल जी, आ जाओ, आ जाओ। अरे नहीं दिखेगा जीना जी, अंगूठी का? अच्छा रुको रुको, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी आपकी अंगूठी को, मैं घूम तो नहीं जाएगी। घूम जाएगी मतलब मेरे पे भरोसा नहीं आपको? हाँ बोल रहे हो यार, हम ऐसे नहीं कमाते पैसा, ठीक है? मैं आपकी अंगूठी को हाथ भी नहीं लगा रही यार। जीनल जी इधर रख दीजिए अंगूठी, और मैं लोगों को दिखा देती हूँ अंगूठी। देखो बॉडीगार्ड यहाँ पर है, ठीक है? मेरे पर मत आना, मैं स्लीव भी ऊपर है, मेरा कहीं जाने नहीं वाली। यहाँ पे लोग हैं, यमकी अंगूठी देख लो, मेरे पर जिम्मेदारी नहीं आनी चाहिए। दो दिल बने हुए इस अंगूठी पे, ठीक है? अब ये अंगूठी को आपको संभाल के रखना है अपने हाथ में ऐसे। इम्पोर्टेंट, आपको पता है, मुझे कुछ जवाब मत देना, सिर्फ हाँ या ना। आपको पता है आपको ये अंगूठी किसने दी, किस दिन मिली, सब पता है? यस, इसलिए मैंने उनको बुलाया जिनके लिए इम्पोर्टेंट। तो अब ये करना है, मैं आपको आपकी आंखें बंद करने को बोलूंगी, अभी नहीं बोलूंगी। जब मैं आपको आपकी आंखें बंद करने को बोलूंगी, आपको अपनी आंखें बंद करनी है और आपको उस दिन पे जाना है जब आपको ये अंगूठी मिली थी। 1 2 3 नाउ अपनी आंखें बंद करेंगे। आपको बताना, आपको मुझे बताना है, तारीख मत बताना, पर बताइए कि मतलब दिन है या शाम है। दिन है। मैं कुछ नंबर बोलने वाली हूँ, आपको आंखें बंद रखिए। मैं कुछ नंबर बोलने वाली हूँ, मैं चाहती हूँ नंबर सिर्फ अपने मन में सोच सुनना है बस, आपको कुछ नहीं करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जी ना जी, माइक पे बताएंगे किस तारीख को आपको ये अंगूठी मिली थी? 20 फेब। मुझे ये बात पता हो? नहीं, मैंने यहाँ पे एक तारीख ली। रॉन्ग। 20 फेब मैम, फेब्रुअरी तो लिखा है ना मैंने, 20 नहीं है, 28 लिख दिया। हाँ, मन में आप 28 बोलोगे तो 20 था तो 20 बोलूंगी ना। तो आप लोगों के लिए मजा आई ना? मतलब देखो, अगर कोई डांस का शो होता है, बेचारा डांसर गिर जाए तो आप लोग पता है कैसे करते हो? अरे यार, अगर कोई गाना गा रहा है, कोई धुन मिट जाए
तो लोग बोलेंगे अरे बेचारा, पर जादू अगर बिगड़ जाए ओहो मजा ही आ जाता है आप लोगों को। बट थैंक यू सो मच यार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। मैं जब 6 साल की थी मैंने टीवी पे एक जादू का शो देखा जहाँ पर जादूगर ने ऑडियंस में से रुपए लिए और उसे गायब कर दिया और फिर वो जो नोट है वो एक एप्पल में से निकले और मेरा माइंड ब्लो हो गया। जादूगर बनने के बाद भी मुझे 17 साल लगे कोई भी एक चीज एप्पल में से निकालने के लिए। तो भले मैं ऐसे स्टेज पे हवा में उड़ती थी, किसी के टुकड़े करती थी, ऐसे किसी को गायब कर देती थी, किसी को लड़की को जला देती थी, उसको वापस भी लाती थी। मेरे को ऐसे मत देखो डरा कर, अंगूठी का क्या? नहीं मेरे पास नहीं है तुम्हारी अंगूठी। एक सच्ची बोल रहा हूँ, मेरे पास नहीं है तुम्हारी अंगूठी। तुम इतने खुश क्यों उसके बारे में? चेक क्यों नहीं कर रही? मेरे पास एक सेकंड जिनल, अगर तुमको लग रहा है कि ये मेरे शो का कोई हिस्सा है जहाँ पर मैं तुम्हारी अंगूठी घुमा घुमा दूंगी तो ये ऐसा नहीं है। देखो बॉडीगार्ड का है, बॉडीगार्ड का है। मेरे दोनों हाथ खाली है भाई, मेरी पॉकेट भी खाली, मैंने तो नहीं लिया, ये भी खाली है यार, तेरे को तो भरोसा ही नहीं है पे। अब बिल्कुल भी नहीं है। हाँ चुप करो भाई। आज एक सेकंड, जिनको नहीं पता क्या हुआ है, जिनल को उसकी अंगूठी नहीं मिल रही है और जिनल वो मेरे पे डाल रही है कि मैंने घुमा दी है। अभी तो कंप्लेन करी थी कि 20 क्यों लिखा, 28 क्यों नहीं, नहीं 28 क्यों लिखा, 20 क्यों नहीं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम आओ स्टेज पे देखो अपनी अंगूठी ना नहीं मिल रही, तो मतलब तुमको परवाह ही नहीं है। तुम मेरे पे बोल रहे कि कुछ होगा शो का, मैंने नहीं लिया, सच्ची नहीं लिया। तुमको इतना भरोसा है कि मैंने लिया है? तुम एक सेकंड ढूंढो, मैं ऑडियंस में जो मैं एक्ट कर रही थी वो खत्म कर दूं तब तक। अंगूठी निकालेगी ऑडियंस में, जैसे मेरा पूरा, मेरे को भी टेंशन हो गई। देखो उधर कोई अंगूठी है तो अंगूठी निकालेगी ऑडियंस में, किसी के पास कहीं पर, तो बहुत सारा होगा आसपास। देखो अपनी कुर्सी के नीचे एक बॉक्स होगा, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट बॉक्स है। लाके दो मुझे इधर, तो इधर लाके दो। अरे वो तो बड़े बूढ़े। थैंक यू, मैं तो इसे हाथ नहीं लगाऊंगी, इनको दे दो यार। जीनल आपको पता है इसमें क्या है? आपकी अंगूठी नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं उसको हाथ नहीं लगाना चाहता, आप इनको दे देंगे प्लीज? जीनल ले लीजिए उसे और आ जाइए पीछे, आ जाइए। क्या है इसके अंदर? एप्पल, एप्पल एंड नाइफ। एप्पल में से निकलेगी अंगूठी, बीच से ही काट, इधर भी आपको बीच से कटवाओ, बीच से। इसके अंदर ध्यान से देखिएगा कुछ है। थैंक यू जीनल, आपकी अंगूठी आपको वापस। खुश है बाप? जोरदार तालियां जीनल के लिए। मैं आप में से 4 लोगों को स्टेज पे बुलाऊंगी, इन 4 लोगों को मिलेगा मौका कुछ निर्णय लेने का। अगर ये लोग सभी सही निर्णय ले पाए तो उनकी जिंदगी ही बदल जाएगी हमेशा के लिए। ठीक है, तो वो 4 लोग कौन होंगे? मैं, इधर इधर। तो मैं हमारे MLA साहब से निवेदन करूंगी कि आप मेरे लिए, क्योंकि आप इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनको आप पे पूरा भरोसा है। मैं चाहती हूँ कि कुछ लोग अपना हाथ ऊंचा कर रहे हैं, उनमें से 4 लोग मैं चाहती हूँ आप चुने जो मेरे साथ स्टेज पर आएंगे। सर आपके पीछे भी बहुत लोग हैं। ये जो कोमल के लेफ्ट में है, ऐसे नहीं होगा, हमको भी लाओ। इस साइड, इधर, इधर। ये मदन जी माली के पास में है। अरे मैं भी हूँ इनकी। टी-शर्ट, ग्रीन टी-शर्ट, लाल टिकी। मेरे पास यहाँ पर 4 टैग्स हैं, इसके ऊपर लिखा है 1, 2, 3 and 4। आप सबसे पहले चुने गए थे हमारे MLA जी के साथ द्वारा, तो इनमें से कोई भी एक आपकी मर्जी आप चुन लीजिए। नंबर 4 इसे आप अपने गले में डालेंगे। क्या नाम है आपका? लता, 4 कुर्सियां है पीछे आपके, आप कोई भी एक कुर्सी पे बैठ जाइए, आपका निर्णय। मैम क्या नाम है आपका? शैला। शैला जी 1, 2, 3 कोई भी एक आपकी मर्जी। नंबर 1 इसको गले में लाके 3 कुर्सियां पीछे जिसमें भी आप चाहे बैठ सकते हैं। क्या नाम है सर आपका?
शैलेश दो और तीन जो भी आपको चाहिए दो, पीछे दो कुर्सियां बैठी जिसमें भी आप चाहे बैठ सकते, लेकिन कुर्सी चूज करने का मौका हम अशोक जी को देंगे। और वो करने के लिए मैं एक बार आप चारों से निवेदन करती हूँ, आप खड़े हो जाएंगे चारों से। हम क्या करेंगे, जब मैं बोलूंगी तब 5 सेकंड के लिए म्यूजिक बजाएंगे, ठीक है। जब म्यूजिक बज रहा है अगर आप लोग यहाँ पे टहलना, जब म्यूजिक बंद हो जाएगा अशोक जी आपको जिस कुर्सी पे बैठना है आप पहले चुनना, पहले आप, उसके बाद जो बची हुई कुर्सी होगी उसमें से आप 3 डिसाइड कर लो। फिर बराबर है, बराबर है, बराबर है, ठीक है। हम म्यूजिकल चेयर नहीं खेल रहे, ठीक है, सर गोल गोल मत, बचपन में हम, बचपन की कंडीशनिंग है, हम कुर्सी देखते हैं गाना बजता है हम गोल गोल अपने आप ही घूमने लग जाते हैं। नहीं नहीं इधर टहलना बस हम, ठीक है, कुछ नहीं, चलिए म्यूजिक। अरे वो बैठ गए पहले, देखो इनको पहले ही नंबर भी पहला चाहिए कुर्सी भी पहली चाहिए। अशोक आपको जहाँ बैठना बैठ जाओ आप। हाँ बेचारों का इतना इन्फ्लुएंस, दोनों महिला है ना, कंट्रोल कर रही है सबको, महिला है ना इसलिए, देखो हो गए, बराबर है, करना भी चाहिए। ओके चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना टैग चुना, आप लोगों ने अपनी कुर्सियां चुनी, उसके बाद एक नंबर बनाया, नंबर है 1432। ये नंबर मैंने नहीं बनाया, ये नंबर आपने नहीं बनाया, ये नंबर इनमें से किसी ने नहीं बनाया, ये नंबर अपने आप बन गया। नंबर और टैग, कुर्सी और टैग के बाद आता है मेरा तीसरा डिसीजन। मेरे पास 5 लिफाफे हैं, उन 5 में से 4 के अंदर तो कोई रंग बिरंगा कागज है, येलो ऑरेंज ग्रीन ब्लू पर्पल ब्ला ब्ला ब्ला, नॉट इम्पोर्टेंट, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उसकी, लेकिन एक लिफाफे के अंदर कुछ बहुत कीमती है, वो कुछ भी हो सकता है, वो डीडी हो सकता है, चेक हो सकता है। तो मैं चाहती हूँ आप में से कोई व्यक्ति स्टेज पर आएंगे जो जज की तरह बिहेव करेंगे, कि जज संयम जी बताएंगे जज कौन बनेगा। तो कोमल दीदी आएगी स्टेज पर जी, अरे मैं, मेरे को नहीं पता कौन सा लिफाफे पे क्या भरोसा है। शैलेश जी श्योर है आप उस लिफाफे से, तो मैम आपसे शुरू करेंगे, ऐसे पकड़ना है लिफाफा, ओपन करेंगे और जो भी कागज उसको आधा बाहर निकाल, नहीं बैठे रहिए बैठे रहिए, उसको सिर्फ आधा बाहर निकालना है, उसका रंग देखना है, ठीक है। व्हाइट कलर इम्पोर्टेंट, व्हाइट नहीं है नॉट इम्पोर्टेंट, दिख गया हमें तो, ऑडियंस को भी दिखा दो यार, ऑडियंस को भी दिखा दो। लता जी रुको, पेशेंस, येलो कलर पेपर नॉट इम्पोर्टेंट, शैलेश जी रुको रुको रुको, आपने देख लिया ना, देख लिया, देखा, अरे यार मैं आपको मौका देने वाली थी अगर आपको एक्सचेंज करना हो तो, पर अभी आपने देख लिया तो दिखाइए क्या है उसके अंदर। ब्लू कलर का पेपर शैलेश जी, मतलब उसके अंदर कुछ बहुत खास है। कोमल जी लिफाफा खोलेंगे, क्या है, चेक है, ब्लैंक है, yes. साइन yes. आपका तो नहीं है, ब्लैंक साइंड चेक, आपको बोली थी लिफाफा दूसरा लेना हो तो शैलेश जी चुप। ये आपको जज को क्या मिलता है, जज गवर्नमेंट सर्वेंट, उसको कुछ नहीं मिलता, आप ये दे दो वापस। पर कोमल जी आप इतने खूबसूरत, इतनी खूबसूरत आपकी हंसी, आपको हम इस तरह खाली हाथ तो नहीं ही भेजेंगे स्टेज पर से, तो आपके लिए मेरे पास कुछ तो है, मेरे पास ये 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 सर्टिफिकेशन है जज बनने का, नहीं मेरे पास एक बहुत क्यूट सा कागज है, उसके पीछे क्यूट सी रिबिन है, मैं चाहता हूँ आप इसे संभाल के रखेंगे, एकदम संभाल के, ऐसे खोलना मत, ऐसे ओपन मैं को बुलाऊंगी शो के अंत में, ठीक है, खोलना मत, उसे मातरानी पाप लगाएगी। हो जाता है यार गलत डिसीजन, हो जाता लाइफ में गलत डिसीजन होते हैं तो क्या करते हैं फिर आप, दूसरा डिसीजन लेते हैं। कागज अपने हाथ में रखेंगे, लिफाफा फेंक तो जरूरत नहीं है, परफेक्ट परफेक्ट। इस कागज के ऊपर एक नंबर लिखा है, नंबर ऑडियंस को दिखाएंगे, 1 4 3 2 लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था मामला, जो आपने टैग चूज किया था, रुको रुको रुको, पेशेंस ही नहीं है, सब्र सब्र। स्टेज पे आते ही सबसे पहली चीज आपने चूज करी थी वो थे आपके टैग्स, दूसरी चीज क्या चूज करी, नहीं रे कुर्सी। मैं आप चारों लोगों से निवेदन करती हूँ जिस कुर्सी पे आप बैठे उसके पीछे खड़े हो जाएंगे और मैं आपके पास, अशोक जी आप उस कुर्सी पे बैठे थे, फिर आपके पास मौका था, आप कोई भी कुर्सी पे बैठ सकते थे, आप ये तीसरे नंबर की कुर्सी पे बैठे क्यों, चॉइस थी, कोई ऐसे डिसीजन ऐसा कुछ कारण नहीं था, बस मैं दो कारण आ गया ना, तो डर क्यों रहा, खाती तू। आपके हाथ में कौन सा रंग का कागज है, ग्रीन, चेयर के पीछे कौन सा रंग का कागज है, ग्रीन ग्रीन, दिस इज अ ग्रीन कलर चेयर लेडीज एंड जेंटलमैन, सारे ग्रीन नहीं है, आपके हाथ में ब्लू कलर का कागज है, इसे टर्न करके बताएंगे, शैलेंद्र जी ब्लू कलर चेयर, आपके हाथ में ऑरेंज कलर का कागज है, इसे टर्न करेंगे, ऑरेंज कलर चेयर, वहां पे उसे टर्न करेंगे, दैट्स अ येलो कलर चेयर लेडीज एंड जेंटलमैन। इतना ही नहीं, एक आखिरी चीज मैं चाहती हूँ आप लोग करें बिफोर आई थैंक यू, मैं चाहती हूँ आप सभी लोग यहाँ पर आ जाए, सेंटर स्टेज स्टार हो आप अभी हमारे इस शो के, जो नंबर है वो ऑडियंस को दिखाएंगे, सारे निर्णय इन लोगों ने लिए, आप सबसे पहले स्टेज पर आए, आपने अपना टैग चूज किया, आपने कुर्सी चूज करी, आप जो कुर्सी पे चाहे बैठ सकते थे, आप लिफाफा बस बदल देते हैं,
ये मेरे अकाउंट में रुपए भी है, सारी खाली नहीं है। सारे निर्णय इन लोगों ने लिए। अगर एक भी निर्णय अलग होता, डिफरेंट होता, तो ये होना नामुमकिन होता। और अब जो होने वाला है वो होना एकदम ही इम्पॉसिबल होता। और अब जो होने वाला है ये आप सब लोगों के लिए, शिवगंज के हर एक वासी के लिए है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक शहर उसके लोगों से बनता है, ठीक है? तो और हम जो लोग हैं वो हम शहर से बनते हैं, हम वैसे ही जैसे हमारा शहर है। तो दो योगदान होता है, शहर का लोगों पे और लोगों का शहर पे। ठीक उसी तरह अभी जो ये हो रहा है बहुत योगदान है आपका, अभी जो होने वाला है उस पे। मेरे तीन गिनने पर मैं चाहती हूँ आप खोल के बताएं कि उसके अंदर क्या लिखा है, ठीक है? मैं तीन गिनने पर जो सस्पेंस ड्रामा म्यूजिक जल्दी, मैं तीन गिनने पर, ठीक है? रेडी? पहले नंबर ऑडियंस को दिखाएंगे। 1 4 3 2 1 2 3 नाउ। ऑडियंस को दिखाना है, ऑडियंस को। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ कि कुछ करने वाली, लास्ट एक्ट में जो बढ़ जाए उसके पहले मैं यहाँ पे खड़े हूँ कि कुछ करने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ वही चीज आप अपनी जगह पे बैठे हुए या जो लोग खड़े वो खड़े हुए करेंगे, ठीक है? मेरे साथ रेडी? देखो मैं ध्यान से करना, मैं जादू करूँ। ओके, तो सभी के दोनों हाथ आगे दिख रहा है मेरे को, सभी के दोनों हाथ। एक हाथ में फोन है भाई, मेरा एक हाथ चलेगा। सभी के दोनों हाथ विगल, देखो मिस मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? स्टॉप 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 विगल स्टॉप, खुद के लिए तालियां बजाएंगे। स्टॉप, हाथ नीचे। देखो वापस करने वाले यही चीज पर ध्यान से देखना है, ठीक है? सभी के दोनों हाथ आगे, विगल, क्रॉस क्रॉस, अंगूठा नीचे, दोनों अंगूठे। सर आप कर नहीं रहे हो यार, सर बुरा लग रहा है। दोनों अंगूठे जमीन की ओर और अपने उंगलियां लॉक कर दीजिए। दोनों अंगूठे नीचे जमीन की ओर, उंगलियां लॉक, अंगूठे दोनों नीचे जमीन की ओर। लेफ्ट राइट नहीं, फ्लेक्सिबल करो यार बच्चे। अंगूठा नीचे जमीन की ओर। सबने वही किया जो मैंने किया है? बिल्कुल नहीं। अगर सबने वही किया जो मैंने किया है तो मेरे तीन गिनने पर आपके दोनों अंगूठे ऊपर आ जाने चाहिए जैसे मेरे आते हैं, ठीक है? इसके देखते हो लता, ठीक है? 1 2 अय्या अय्या, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो यार? बता अय्या। अरे सेमेस्टर मेरे वापस तो अगले शो में होगा, वो होमवर्क ही है, घर पे जाके प्रैक्टिस करना, ठीक है? सभी को मजा आ रहा है? अंगूठे तो ऊपर नहीं आए। देखो अभी तक के शो में ये तो साबित कर दे कि मुझे कुछ तो आता है। हाँ बोलो। और अब जो मैं करने वाली हूँ मतलब वो लास्ट एक्ट है, और ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है ना कि लास्ट तो बेस्ट होता है। मतलब कि अच्छी मूवी क्या है? अच्छी मूवी है गुड क्लाइमैक्स, ठीक है? तो तीन बातें यहाँ पर इम्पोर्टेंट। पहला, आप लोगों को मजा आ रहा है, बस आपने अभी बोल दिया, आप लोग कर नहीं सकते, रिकॉर्ड कर दिया आपने, ठीक है? दूसरा, आप मान गए हो कि मुझे कुछ तो आता है। तीसरा, अगली जो चीज होने वाली है वो आप कैसे माइंड ब्लो करने वाली है। तो ये तीन चीजें को दिमाग में रखते हुए आपको मजा आ रहा है, आई एम गुड एट व्हाट आई डू, नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड। ये तीन चीजें दिमाग में रखते हुए मेरे को लगता है कि ये मेरा परफेक्ट टाइम है, परफेक्ट टाइम के आगे बढ़ने के लिए मैं थोड़े और पैसे मांग लूं। मैं मजाक नहीं कर रही, सच्ची बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ ऑडियंस में कोई एक व्यक्ति स्टेज पर आएंगे, मेरी बारी, जो रईस हो। अपन दिल, अरे दिल से रईस है, मैं को अभी चूज करने वाली थी, ये रईस है, अपने आप आ गए। कृष्णपाल सिंह, अपने आप ही आ गए। कृष्णपाल सिंह, देखो पहली बात ये अपने आप स्टेज पर आए, मैंने किसी ने चूज नहीं किया, मेरे को नहीं चाहिए ऑडियंस में से किसी को लगे कि सेटअप करके रखा हुआ है, तो चलेगा? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लोगों का हाँ आना चाहिए। मैं सब मना कर रहे हैं। ओके ओके, मान गए ना? नहीं, प्यारे लोग हैं यार, प्यारे लोग हैं, मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो अभी रुको, ऑडियंस डिवाइड हो गया,
तो ऑडियंस डिवाइड होता है तो अपने को लाना पड़ता है जज। नहीं नहीं कोमल जी जज असली जज सामने है, ठीक है। आप बताइए इनके साथ कंटिन्यू करें या हम किसी और को चूज करें। ये मंच पे आ गए हैं तो मैं इनसे दुश्मनी क्यों मोल लूंगा। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं जवाब। चलिए तो आप आओ मेरे साथ, धीरे चलो। ट्रेनिंग सिंगल हो ना? यस मैम। पहले नहीं निकला, ट्रेनिंग मिली होती तो चुपचाप पीछे चलते हैं। हमारा दोस्त कृष्णा, नहीं आ जा यार यहाँ पर आ जा। कृष्णा पैसा का है, मैं बोला मुझे कोई रईस चाहिए, पैसा फोन नहीं, पैसा तो मेरे पास भी है ना। नहीं नहीं मेरे को कोई चाहिए जिसके पास, कितना मांगे? 50 क्या होता है रे, चल 100 मांग लेते हैं। 100 रुपए की नोट। जिम्मी भैया आ गए आप इसके रईस। इतने तो मेरे पास है। अच्छा जब तक, अब आपका काम है 100 रुपए अरेंज करो, जाओ। जब तक ये 100 रुपए अरेंज कर रहे हैं आप लोगों से निवेदन है, ये तो 200 है, 100 रुपए चाहिए मेरे को। अरे मेरे पास है। ऑडियंस में से लोगों से निवेदन है, ऑडियंस में सभी से निवेदन है, ये हम सबके साथ करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग अपने फोन फोन, और आपको आपके पास एक बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है, ठीक है। आपको ऑडियंस में से कुछ लोगों को चुनना है। भाई किशन जी को माइक देंगे, मेरा फोन का है, मेरा फोन इधर है। नोट को फोल्ड कर, एक और बार फोल्ड कर, ठीक है। किससे लिए तूने ये नोट? जिमी भैया से। जिमी भैया किधर? जिमी भैया कौन है? बॉडी बिल्डर। बॉडी बिल्डर आप है तो ये बॉक्स बंद करो, बंद करो मेरे को हाथ। आपकी नोट है 100 रुपए की, आपने इनको दी, मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया है, ये जिम्मेदारी आपकी, इसको संभाल के रखो, गले में डाल दो इसको या अपने पॉकेट में डाल दो नोट या जो करना है करो, आपकी जिम्मेदारी से संभाल के रखना है। ऑडियंस में सभी लोगों से निवेदन, अपने हाथ में फोन लेंगे और आपको कृष्णा आपको ऑडियंस में से 5 लोगों को चुनना है। तो मेरी बारी आ जाओ। जिनको भी कृष्णा चूज करेगा, जिनके हाथ ऊपर है उन्हीं को चूज करना। दूसरी चीज, जिनको भी ये चूज करेंगे आप मुझे एक नंबर देंगे, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। एक डिजिट का, दो डिजिट का, तीन चार डिजिट का भी हो सकता है। पहला व्यक्ति कौन है? ओके, सब लोग फोन पे कैलकुलेटर ओपन करो, जोर से एक नंबर चिल्लाओ। 25 प्लस नेक्स्ट कौन है? एक कोने में व्हाइट टी शर्ट, हाँ नंबर बताओ। 24 तू गलत बोली। 22 मतलब आपको क्या लगता है कि आप 50 लोग साथ में चिल्लाओगे तो मुझे बहुत आसानी से सुनाई दे जाएगा, ठीक है। 25 प्लस 22 करो सब जन प्लस, चलो तीन और नंबर देंगे। 44 सब लोग 44 डालेंगे। आगे आ जा, आगे आ जा, छोटी बच्ची खुश हो गई। नंबर दो बच्ची हो क्या? 1330 मैं सुनाई दे रहा हूँ मुझे 30, ठीक है। सब लोग 30। अब एक आखिरी नंबर लेंगे, ठीक है। आखिरी थेट पीछे वो ऑरेंज शर्ट, ऑरेंज शर्ट चश्मा, हाँ आप ही आपी मारवाड़ी अपने भाई तो भी खुद पीछे देख रहा भाई तू। नंबर चिल्ला गाइस, एक सेकंड एक सेकंड, पीछे भैया हाथ नीचे करो सब जन। ऑरेंज शर्ट में जो भैया आप, पहला नंबर क्या है? ये महाराज जी, महाराज जी बताइए नंबर 52। तो देखो क्योंकि ये आखिरी नंबर है, मैं आपको एक मौका देना चाहती हूँ। अगर आपको माइक दे दो उनको, अगर आपको अपना माइंड बदलना हो तो क्या आप अपना माइंड बदल के कोई दूसरा नंबर देना चाहते हैं? हाँ दीजिए। 22 अब रुको, देखो जब भी जादूगर ऐसे किसी को बोलता है कि आपको कुछ मन बदलना है तो कोई बदलता नहीं है, ये सोचकर कि वो मेरे को इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है, ठीक है। पर आपने मन बदल दिया, मैं नहीं चाहती कि यार आपको ऐसा लगे कि यार इसने बोला और मैंने बदल क्यों दिया, मेरे को तो नहीं। उस वक्त घर जाके आपको लगा, मैं नहीं चाहती ऐसा लगे, ठीक है। तो मैं आपको एक और मौका देने वाली हूँ, अगर आपको अपना मन बदलना हो तो। ये मौका मैं आपको सिर्फ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छी बहुत अच्छी मैं नहीं चाहती आप मन घर जाके ऐसा सोचो यार कि यार सुहानी ने बोला था बदलने को तो मैंने बदल क्यों दिया, यार मैं बदलता नहीं तो पूरा नंबर डिफरेंट हो जाता, पूरा कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाता, फिर आप पूरी रात ऐसे बदलते ऐसे एक बटे बदलते रहोगे, नींद नहीं आएगी आपको। मैं चाहती हूँ कि आप अच्छी तरह से सो,
कि आपको नंबर बदलना है। आप चला जाके 52 पे भी जा सकते हो, 22 भी, और मुझे कोई एक नया नंबर दे सकते हो। ये मैं आखिरी बार आपको पूछ रहा हूँ, जो नंबर बोलोगे फाइनल, ठीक है? सब टोटल कर देना उसका। नहीं बदलना। 22 कि 52? 22 कंफर्म सभी लोग। 22 प्लस के माइनस 143। लव यू टू। लो भैया कीबोर्ड को देख खाली। अब अपनी आंखें बंद कर और रैंडम नंबर्स डाल फोन में, कोई भी, जितने भी तू चाहता है, रैंडम जितने भी। बहुत ज्यादा हो गए, रुक जा भी, इतने सारे नंबर। हाँ खोल दे, खोल दे। अभी तूने जो भी नंबर ऐसे रैंडमली डाले वो माइक पे बोल, ताकि सब लोग वो नंबर डाले। 2 8 4 3 2 2 8 4 3 2 सबको ऐड करना है ये नंबर। ओके, सबने ऐड कर दिया। अब मेरे तीन गिनने पर सभी लोग इज इक्वल टू प्रेस करेंगे। तू भी, मैं फोन का। मेरे तीन गिनने पर इज इक्वल टू प्रेस करेंगे सभी लोग, ठीक है? ठीक है, 1 2 3 नाउ। क्या सबके फोन पे 2 8 4 4 7 5 आता है? टू एट फोर फोर सेवन फाइव। क्या ये किसी भी तरह, क्या ये किसी भी तरह मुमकिन है कि मुझे पता होता कि क्या नंबर आने वाला है? आपके लिए मुमकिन। हाँ या ना? उधर लोगों ने जवाब ही नहीं दिया। हाँ या ना? भरोसा नहीं आपको मेरे पर? मैंने बता दिया फरवरी की डेट सोच रही थी वो, फिर भी आपको भरोसा नहीं कि मुझे नंबर पता हो। यही करना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, लोगों को उन चीज पे विश्वास करवाना जो एकदम ही अविश्वसनीय है। अभी से कुछ देर पहले जब कृष्णा आप स्टेज पर भी नहीं आए थे, तो नोट गिरा दी, तू नोट गिरा दी, तो जिमी भैया देखो कैसे भरोसा किया इसका, नोट वैल्यू नहीं है इसको, नोट गिरा दी, तू पॉकेट में डाल के रख, पॉकेट में। कोमल जी, मैंने आपको एक बहुत ही क्यूट सा कागज दिया था, क्यूट सा रिबिन बंधा हुआ, अभी से 15 मिनट पहले। क्या वो कागज लेके आप स्टेज पर आ सकते? जोरदार ताली आ जाए, कोमल जी स्टेज पर आएंगे। खोल दीजिए रिबिन, खोले। किधर गया तू भाई, तू क्या कर रहा है पीछे मेरे बास्केट के साथ? अंदर मेरे को नहीं करना, हाथ नहीं लगाना, तो पकड़ में तेरी नोट है वो। खोल दीजिए, यहाँ पर 2 8 4 4 7 5 ये आपको मैंने दिया था बहुत टाइम पहले। यहाँ पे आएंगे मैम, 2 8 4 4 7 5 Ladies and gentlemen, thank you कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा स्टेज पर आने के लिए। ध्यान से, तू गिर मत, आगे देख के चल। जोरदार ताली बजा कृष्णा और कोमल के लिए। ladies and gentlemen, यार इसको एक अगले लेवल पे लेकर जाए क्या? जाओ जाओ, अगला लेवल क्या हो सकता है? क्योंकि तालियों में मुझे मजा नहीं आई। देखो, नहीं नहीं जबरदस्ती नहीं, मैं करती हूँ ना। देखो सारे नंबर, कृष्णा तू वापस आ जा स्टेज पर। सारे नंबर आप लोगों ने दिए, एक भी नंबर मैंने नहीं डाला। आपने 22 बोला, आप अगर 23 बोलते तो सारा कैलकुलेशन बदल जाता। आपने यहाँ पर 52 बोला, फिर 22 बोला, मैंने आपको मौका, अगर आप नंबर बदल देते तो पूरा कैलकुलेशन बदल जाता, पर आपने नंबर नहीं बदला। और ये जो भी कैलकुलेशन आया वो नंबर मैंने ऑलरेडी लिख के रखा था। पर इससे भी बड़ी बात पता है क्या? इससे भी बड़ी बात ये है कि हर एक नोट यूनिक होती है, क्योंकि उसका एक यूनिक सीरियल नंबर होता है नोट का। इतनी बार नोट पर भी यही होंगे, उसका एक यूनिक सीरियल नंबर। मैंने इस नोट को हाथ लगाया, मैं चाहती हूँ आप अनफोल्ड करके जिमी भैया की जो नोट है बताए कि इसका सीरियल नंबर क्या है। 2 8 4 4 7 5 आते हैं। शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सभी लोगों का कि आपने यहाँ सोचा। जीवन में आगे कभी फ्यूचर में भी वापस यहाँ पर आने का मौका मिलेगा, आप लोगों से कहीं ना कहीं फिर से रूबरू होंगे। मेरा नाम है सुहानी शाह, आप सभी लोगों को आई विश मेनी मोर मैजिकल मैजिकल मोमेंट्स अपने जीवन में। नमस्ते, गुड नाइट। सुहाने जादू के लिए सुहानी शाह के नाम। एक फोटो ले लेते हैं, आप लोग पास में आइए, फोटो ले लेते हैं। सभी के साथ फोटो शूट। शिवगंज के लोग आपको मजा आया? पधारे और इस धरती के धुरंधर
पिक्चर अभी मैम एक बार पीछे देख लो। मैडम बूढ़ा मैम एक बार पीछे मैम पीछे मैम पीछे विपिन साहब दोस्त है मेरा शिव के हेलो मैम मैं फैमिली मेंबर हूँ मैम हेलो मैं घर आई थी शिवगंज मैम हेलो मैम हेलो हेलो मैम बाय बाय टाटा मैडम चलो बाय बाय सुहानी साहब सुहानी साहब के जाते ही पूरा खाली तो चलते हैं अभी बहुत कोशिश की भीड़ में कूदने उड़ने की क्या पता कैसा सीन है या पता नहीं लेकिन एक टाइम नहीं किसी को सुनाएंगे नहीं एक टाइम ऐसा लगेंगे जब सुहानी साहब से अपन पर्सनल मिलेंगे सरोज जोशी के जैसे इधर इधर घूम जाएगा। दोस्तों अब जा रहे हैं घर। फिलहाल आज के इस व्लॉग को यही पे एंड करता है। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ अगले व्लॉग में। कल भी प्रोग्राम है परसों भी प्रोग्राम है सब कुछ देखेंगे। बाय बाय टेक केयर।